नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। चाहे जेंट्स स्वेटर में बनाएं, चाहे लेडीज़ कार्डिगन में, टॉप में, पुलोवर में, किसी भी चीज़ में ये बनाएंगे, ये हर प्रोजेक्ट में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बनने पर देखिए कितना सुंदर लगता है। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लें, पहला फंदा उतार लें और सभी फंदे उल्टे बना लें। और आखिरी फंदा सीधा। सेकेंड रो और बैक साइड पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और लास्ट फंदा उल्टा। इस तरह हम 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन में डिज़ाइन बनना शुरू होगा, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा उल्टा और चौथे फंदे में एक बार सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इसी में एक बार और सीधा। इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अगला 3 फंदे उल्टे, चौथे फंदे में हमें 3 फंदा बनाना है, एक सीधा बुना, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा। एक फंदे से 3 फंदा हो गया, फिर अगले 3 फंदे उल्टे, फिर चौथे फंदे में सीधा, उन अपनी ओर किया और इसी में एक बार और सीधा। इसी तरह हम पूरे लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमारा 3 फंदा उल्टा आएगा और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। पीछे से पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा। पहला फंदा एस स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, यानी 3 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। पांचवी लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा। पहला फंदा एस स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, 3 फंदा उल्टा बुनना है और फिर 3 फंदा सीधा। सिक्स्थ रो और बैक साइड, जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा फंदा बुन लेंगे। सेवन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर उन दूसरी ओर करेंगे और जो हमने 1 से 3 फंदे सीधे बनाए थे उन तीनों में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का 1 कर लेंगे सीधा बुनते हुए, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर जो हमने 1 से 3 फंदा किया था सीधा बुनते हुए उन तीनों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे। तीनों फंदों में एक साथ सिलाई डाला और सीधा बुनते हुए 3 का 1 कर लिया, यानी वापस हमारे जितने फंदे थे उतने फंदे वापस हो गए। फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर देखिए तीनों फंदों में, तीनों सीधे फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए 3 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदा उल्टा। इन्हीं 4 फंदों को हमें
पूरी लाइन में दोहराना है। ये फंदा स्टिच है और इन चारों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एट रो और बैक साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, जिसे हमने तीन का एक किया है वो एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदे उल्टे बुनेंगे लास्ट फंदा को, लास्ट फंदा सीधा, बीच के सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और लास्ट फंदा सीधा। टेंथ रो और बैक साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदे को छोड़ के बाकी सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। एलेवेंथ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, अगला फंदा उल्टा और अब दूसरे फंदे पे हम सीधा बुनते हुए तीन फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदा उल्टा। फिर चौथे फंदे पे सीधा बुनते हुए हम तीन फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन बनाया था हमने और बीच में तीन फंदा रह गया था, तो अगली बार डिज़ाइन जो है दूसरे वाले फंदे पे बनेगा। दो डिज़ाइन देखिए, इस फंदे पे और इस फंदे पे डिज़ाइन बना था, तो बीच के जो तीन फंदे बच गए हैं तो अगला डिज़ाइन यानी इस लाइन में डिज़ाइन इस दूसरे वाले फंदे पे बनेगा। दो डिज़ाइन के बीच में अगले लाइन डिज़ाइन बीच वाले फंदे पे बनेगा और फिर यही लाइन जो है वो कंटिन्यू होते चले जाएंगे। यानी डिज़ाइन अब इस लाइन पे बनेगा, सीधा बुना उन अपनी ओर किया और फिर सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर चौथे फंदा सीधा बुना, फिर उन अपनी ओर किया, फिर इसी में सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लें। ट्वेल्थ लाइन और रॉन्ग साइड पहला फंदा उल्टा, फिर अगला फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और अगले चार लाइन में जहां हमें सीधा दिखाई दे रहा है वहां सीधा और जहां उल्टा दिखाई दे रहा है वहां उल्टा बनाएंगे, तीन फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा। ऐसे ही हमें अगले चार लाइन तक बनाने हैं, जहां सीधा दिखाई दे रहा है वहां सीधा और जहां उल्टा दिखाई दे रहा है वहां उल्टा। और पाँचवें लाइन में चार ये जो तीन सीधे फंदे बने हैं उनको एक कर लिया जाएगा। देखिए ये आगे से तीन फंदे जो उल्टे हैं वो पीछे से तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, और चौथे फंदे पे हमने एक का तीन किया है और दो डिज़ाइन के बीच में देखिए दो उल्टी धारियां आई हुई हैं, यानी आगे से उल्टा बनाना है और पीछे से सीधा बनाएंगे तो सामने उल्टा आएगा। और अगला डिज़ाइन तीन फंदों के में दूसरे वाले फंदे पे बन रहा है, पीछे से देखिए स्पष्ट हो जाएगा। देखिए तीन सीधे फंदे, चौथे फंदे पे डिज़ाइन बना है और जब चार लाइन बुनने के बाद यहाँ पे इसको तीन का एक कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बनाइए, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।